एक पहले तेल डाल दिया इसमें, इसमें एक घंटी प्याज डाल दी। तेल गरम हो गया, इसमें मैंने डाल दी है प्याज। प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें डलेगा कीमा। हो गई है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन का कीमा, आधा किलो कीमा है ये। ये देखिए मैं इसको ना मिक्स कर रही हूँ, ये मिक्स हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चमचे ये मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया। इसमें मैं डाल रही हूँ डेढ़ चमचा कुटी मिर्च, डाल रही हूँ मैं शान का फ्राई मसाला डेढ़ चमचा। ये तीन अदर टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे, ये इसमें डाल रही हूँ। देखें आप, मैं 6 हरी मिर्च, ये एक चमचा मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक हसबे जायका, जो जितना भी आपको डालना है अपने हिसाब से नमक आप डालिएगा। देखें इसमें कीमे ने अब पानी छोड़ दिया है, अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू मैंने काट के दो अदर रखे हुए थे वो इसमें मैंने डाल दिए। अब मैं इसको अच्छे से चला के और हल्की आंच पे इसको रख दूंगी, ये आलू गल जाएंगे तो कीमा तैयार हो जाएगा। 20 से 25 मिनट के लिए इसको आप बस हल्की आंच पे ढक दें, इसके आलू गल जाएंगे तो ये कीमा तैयार हो जाएगा। मैंने आलू गलने के लिए इसको रख दिया है। अब चिकन फ्राई कीमा तैयार है, बहुत मजेदार बना है ये, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गरम गरम नान से आप खाएंगे तो आपको मजा आएगा। आप खा के जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको ये शान फ्राई कीमा।